ऑलराइट, हम लोग इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि लीकोफाई क्या है। मैंने यहाँ पे लीकोफाई की जो विंडो है उसको ओपन किया है, मैंने कैंसिल इट अगेन। और ये मेरा आइस एज का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है और हमने इसको इस्तेमाल किया है इस ट्यूटोरियल में। और मैंने यहाँ पे फिल्टर में लीकोफाई का जो मेरे पास ऑप्शन है इसको मैंने क्लिक करना है ताकि मैं इसको ओपन कर सकूँ। और अगर आप लोग इसको कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हैं तो आप लोग शिफ्ट कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, जो कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी की है। सो आई एम गोना से लीकोफाई बाय क्लिकिंग। और हमारे पास यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं। लीकोफाई का इस्तेमाल किया जाता है अगर आप किसी भी इमेज के किसी पार्ट को डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, वार्प करना चाहते हैं, श्रिंक करना चाहते हैं, स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग लीकोफाई का इस्तेमाल करते हैं। लीकोफाई में बहुत से ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, लेकिन इसमें से हम लोग तमाम ऑप्शंस को स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग इसके जो टूल्स हैं वो तमाम टूल्स को स्टडी करेंगे। तो उसमें जो मेन चीज़ें हमारे पास यहाँ पे शामिल हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे कि वो क्या हैं और हम लोग उनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आप लोग एक ब्रश देख सकते हैं, और ये वो ब्रश है जिससे हम लोग चीज़ों को वार्प करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, श्रिंक करेंगे, ज़िगज़ैग करेंगे, ट्रूल का इफेक्ट करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टूल, इस टूल के जो ऑप्शन हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास ब्रश साइज़ है, ब्रश डेंसिटी है, ब्रश प्रेशर है, ब्रश रेट है और जिटर है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ब्रश साइज़ है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि ब्रश साइज़ क्या है। वेल, इट्स अ सिंपल थिंग। हमारे पास यहाँ पे जो ब्रश आप लोग देख सकते हैं कैनवस में, उसका जो साइज़ अगर मैं उसको कम करना चाहता हूँ तो मैंने मेक इट 203, तो ये इसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसकी डेंसिटी को कम करता हूँ तो क्या होगा। अगर मैं इसकी डेंसिटी को कम करता हूँ और मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि इसमें मैं इसको कभी भी वार्प नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसका जो प्रेशर है उसको भी ज़्यादा करना है। प्रेशर जितना ज़्यादा करेंगे हम लोग, वो वार्पिंग में या ट्रूल में या स्ट्रेच में उतना ही ज़्यादा काम आएगा। तो अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो इसको ड्रैग करेगा। आप लोग देखेंगे कि ये इसको थोड़ा थोड़ा ड्रैग करेगा लाइक दिस। अगर आप लोगों ने इसका जो प्रेशर है उसको 100% किया है और आप इसको आप लोग करेंगे तो ये इसको मूव करेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सिंगल क्लिक करें और इसकी जो आई है इसको यहाँ तक लेके जाएं, तो आप इसकी डेंसिटी को ज़्यादा करेंगे एंड यू कैन क्लिक एंड ड्रैग लाइक दिस। तो इसकी जो डेंसिटी है उससे हम लोग इसको वार्प करने में जो इफ़ेक्ट होता है उसको ज़्यादा करते हैं, हम लोग इसको वार्प कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी डेंसिटी कम होगी तो हमारा ब्रश तो काम करेगा लेकिन उसका जो साइज़ है वार्प का वो बहुत कम होगा। और अगर हम लोग इसका जो प्रेशर है उसको कम करेंगे तो ये सिंगल क्लिक पे कभी वार्प नहीं करेगा। इसको आप लोग आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं बिकॉज द प्रेशर इज़ वेरी लो। तो मैं इसको प्रेशर को 100% करूँगा। इसकी जो डेंसिटी है उसको मैं करूँगा अबाउट 54। ये डिपेंड करता है आप लोगों के प्रोजेक्ट पे कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं और आप लोग उसको किस तरह करना चाहते हैं। ब्रश साइज़ भी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं इसको अब यहाँ से मूव करना चाहता हूँ तो डू इट समथिंग लाइक दिस एंड सम दिस। ऑलराइट, ये तो बात होगी हमारे पास जो यहाँ पे वार्प टूल था, फॉरवर्ड वार्प टूल, उसके बारे में है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिकंस्ट्रक्टर है। रिकंस्ट्रक्टर में क्लिक करूंगा और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देखेंगे कि ये दोबारा उसको उसी कंडीशन में ले आएगा जिस तरह वो पहले थी। यानी कि अगर मैं इसको वार्प करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दोबारा वापस ले आऊँ तो मैं इसको दोबारा वार्प नहीं कर सकता, मैं कंट्रोल जी का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दफ़ा कंट्रोल जी इस्तेमाल कर लिया है तो आप लोग यहाँ पे रिकंस्ट्रक्टर का जो है ऑप्शन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको जैसे आप लोग ड्रैग करेंगे तो वो जितनी भी सेटिंग आप लोगों ने की है वो उसको वापस ले आएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ट्रूल। तो ट्रूल से हम लोग इसको मूव करते हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये काफ़ी फनी करेक्टर है और इसकी जो शेप है वो भी काफ़ी फनी है। तो हम लोग लीकोफाई में इसको और भी फनी कर सकते हैं लाइक दिस टू। और आप लोग इसको क्लिक रखेंगे और इसको मूव करते रहेंगे माउस को आहिस्ता आहिस्ता तो ये इतना ज़्यादा जो है वो भी ट्रूल हो जाएगा। सो आई एम गोना रिकंस्ट्रक्ट दैट ऑल बैक अगेन। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास है पुकर टू एंड वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। इसको श्रिंक भी कह सकते हैं हम लोग और हम इसको दोबारा
ऑलराइट, अब मेरे पास यहाँ पे ब्लॉट टूल है, इसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हम लोग चीज़ों को स्ट्रेच कर सकते हैं। बॉडी रीशेपिंग के लिए हम लोग लिक्विफाई का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग जो नोज़ है उसको थोड़ा सा बारीक करते हैं, और उसके बाद हम लोग आईज़ को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आई मीन नॉट टू मच, लेकिन फिर भी कुछ जो है हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पुश लेफ्ट टूल है, अगर मैं इसको लेफ्ट में पुश करना चाहता हूँ तो यू कैन मेक, वेल ये डिस्टॉर्टिंग है और आप लोग इससे बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप लोग उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लिक्विफाई का इस्तेमाल बॉडी रीशेपिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि हम लोग जब भी कभी इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उसमें प्रॉपरली बॉडी को रीशेप करते हैं, जैसे हम लोग नोज़ को, आइज़ को, लिप्स को, हेयर्स को, हम लोग प्रॉपरली उनको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं लिक्विफाई में, और उसके बाद उसको हम लोग सेव करते हैं। और इसी तरह हमारे पास मिरर टूल है, सो इफ़ यू गाइस लुक इन अ मिरर, सम मिरर्स, कुछ जो आईने हैं वो आपको इस तरह का भी इफेक्ट देते हैं, मिरर कंट्रोल भी, आप लोग इनको ट्राई कीजिए ताकि आप लोगों को इनके बारे में कुछ आइडिया हो सके। एंड विद दिस टूल वी कैन काइंड ऑफ ज़िगज़ैग, वी कैन मेक इट और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ्रीज मास्क टूल है, इससे क्या होता है, आई एम गोना कंट्रोल जी ऑल दैट। और अब मैं किसी सीरियस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इस मास्क को ऐड करूँगा, मैं जैसा कि यहाँ पे इस बाजू पे मैंने ऐड किया है और हमारे पास यहाँ पे जो फेस है उसमें भी मैंने ये मास्क ऐड किया है। अब उसके बाद यहाँ पे मास्क ऐड करने के बाद मैं यहाँ से सबसे पहले वार्प टूल का इस्तेमाल करता हूँ और मैं यहाँ पे वार्पिंग शुरू करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो मास्क है इसके अंदर कभी भी आप लोग डिस्टॉर्टिंग नहीं कर सकते अगर आप लोग लिक्विफाई में मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर आप लोग किसी सीरियस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कुछ हिस्सा ऐसा है जिसको आप लोग वार्प करना चाहते हैं या डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं या उसको ट्रूल करना चाहते हैं, तो आप लोग बाकी एरिया पे मास्क ऐड कर देंगे और मास्क ऐड करने के बाद आप उस पर ओपनली किसी भी जगह पे माउस ओवर कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिस्टॉर्ट का ऑप्शन है वो उस जगह पे काम नहीं करेगा और आप लोग बहुत अच्छी तरह लिक्विफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मास्क इस्तेमाल करने के बाद याद आता है कि आपको इस बाजू पर भी डिस्टॉर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ से इरेज करेंगे मास्क को, एंड आई कैन टेक अगेन माई मिरर टूल, व्हेयर इज माय मिरर टूल, यस, और मैं यहाँ पे शुरू करूँगा कैन ऑफ मिरर, तो हमारी जो मास्क का एरिया है वो सलामत रहेगा और वो काफ़ी ठीक रहेगा, एंड यू गाइज कैन इन्जॉय लिक्विफाइंग कि आप लोग किस तरह उसको मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे वार्प किया है, उसके बाद रिकॉन्स्ट्रक्ट किया है और बहुत से जो ऑप्शंस हैं उनको भी पढ़ा है। हमारे पास यहाँ पे हैंड टूल है, अगर आपकी जो पिक्चर है वो काफ़ी बड़ी है तो आप उसको हैंड टूल से मूव कर सकते हैं या आप उसको रिसाइज कर सकते हैं लाइक दिस, और ऑल्ट को प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, उसको जूम आउट भी कर सकते हैं आप लोग। सो दिस इज़ लिक्विफाइंग, हमने यहाँ पे ब्रश साइज, ब्रश डेंसिटी, ब्रश प्रेशर और इसके जो टूल्स हैं उनके बारे में स्टडी किया है, और आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं लिक्विफाई को कि आप लोग किस तरह लिक्विफाई से बॉडी रीशेप कर सकते हैं, आइज जो है उनको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बिकॉज डिपेंड करता है कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी वो सोचते हैं ऐसा सोचते हैं कि उनकी जो आइज हैं वो छोटी हैं, उनका जो नाक है वो काफ़ी मोटा है, तो यू गाइज कैन रीशेप योर बॉडी विद दीज टूल्स, मगर एक बात याद रखिए कि आपकी शेप जिस तरह की भी है और जैसी भी है इट्स परफेक्ट, सो डोंट ट्राई टू मेक योर पिक्चर्स टू बैड बाई वी शेपिंग दैम, और आप लोगों की शेप जैसी भी पिक्चर में है वो ओरिजिनल है और नेचुरल है, सो यूज़ दैट इमेज।